2 साल बीत चुके उस बात को, मैंने कंचना को आज़ाद कराया था और रोज की तरह मैंने अपना न्यूज़पेपर उठाया। हर पेज पर सिर्फ एक ही न्यूज़ थी कि रेड क्रिमिनल का फेस रिवील हो गया है। वो और कोई नहीं, वो जोसेफ द लीडर था। ये एक गैंगस्टर था जिसने पूरे बरमूडा मैप में आतंक मचा रखा था। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले दो दोस्त हुआ करते थे, एक जोसेफ जो बहुत ही अमीर था। जोसेफ बहुत ही जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन गरीबों को मारना, उनकी ज़मीन हड़प लेना इसका शौक था। वहीं दूसरी ओर इसका दोस्त एंड्रयू, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयालु था, वो गरीबों की मदद करता था। जोसेफ और एंड्रयू एक ही बिजनेस के पार्टनर्स थे, लेकिन ये बात जोसेफ को अच्छी नहीं लगती थी। जोसेफ चाहता था कि पूरा बिजनेस उसके नाम हो जाए। दोनों का घर पास ही था और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और आज जोसेफ एक गरीब की ज़मीन हड़पने जा रहा है। वो गरीब किसान अपनी ज़मीन जोसेफ को नहीं बेचना चाहता है, लेकिन जोसेफ उसके घर बंदूक लेके पहुंच जाता है। वो किसान अपनी गाड़ियों को साफ कर रहा था कि तभी वहाँ जोसेफ पहुंच जाता है और उससे कहता है, हे बुड्ढे, अपने परिवार को यहाँ से लेकर चले जाओ। वो किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो बोलता है, अरे साहब, मैं कहाँ जाऊँ। और तभी जोसेफ उसके बेटे को मार देता है। ये सब देख के किसान और ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और तभी जोसेफ बोलता है, रुक जा बुड्ढे, मैं तुझे तेरे बेटे के पास पहुँचा देता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसकी गाड़ी को फोड़ देता है और उसे मार देता है और एक एक करके उसकी सारी गाड़ियों को फोड़ने लगता है। और वो कहता है, आज से ये जमीन मेरी है। जोसेफ उस जगह पर होटल बनवाना चाहता था। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण वो उस जगह पर होटल बनवाकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि आसपास कोई भी होटल नहीं था और टूरिस्ट ज़्यादातर यहाँ पर आते थे। और जोसेफ को ऐसा करते हुए एंड्रयू ने देख लिया और एंड्रयू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मान रहा था। इसके बाद एंड्रयू जोसेफ की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। वो अपनी बाइक निकालता है और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है कि तभी उसको पता चलता है कि उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो गया है और तभी उसे एक कार टक्कर मार देती है। एंड्रयू खून से लथपथ था और वो कार वाला और कोई नहीं, वो तो जोसेफ था। जोसेफ ने अपने ही दोस्त एंड्रयू को मार दिया। और ये सब एंड्रयू की बेटी कंचना देख रही थी। कंचना अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जोसेफ अब बिजनेस का अकेला मालिक बन चुका था और जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता वो उसे मार दिया करता था। धीरे धीरे उसकी पहुँच बहुत बढ़ गई। पुलिस के लोग भी उससे डरने लगे थे और ऐसा करते करते एक दिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। हर दिन वो किसी न किसी को मारा करता था। और एक दिन कंचना ने एक प्लान बनाया। कंचना ने उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए, लेकिन इस बात का पता जोसेफ को लग गया था। कंचना ने जोसेफ को खाई में गिराने का प्लान बनाया था, लेकिन जोसेफ बीच रास्ते में ही गाड़ी से कूद जाता है और जोसेफ खाई में गिरने से बच जाता है। और फिर जोसेफ रेड क्रिमिनल बनके कंचना के पास जाता है और कहता है, हम दोनों मिलके जोसेफ को मार सकते हैं। ऐसा कहकर वो उसे गाड़ी के पास ले जाता है और कंचना को जोसेफ को मारने का प्लान बताते बताते उसे वहाँ से धक्का दे देता है। और ये रेड क्रिमिनल और कोई नहीं, ये तो जोसेफ था।